ओके okay, तो सीसीएनपी वायरलेस की इस वाली वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं वायरलेस इंफ्रा के बारे में, है ना। तो हमारे पास क्या होता है जनरली, अगर आपने सीसीएनए वाली वीडियोस देख ली है ना, तो एक हमारे पास होता है एक्सेस पॉइंट। ओके okay, तो एक्सेस पॉइंट में आपका रहता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो इमेज जिस तरह की आप इंस्टॉल करेंगे उसके बेसिस पे ये या तो ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट की तरह काम कर सकता है, या फिर ये आपका लाइट वेट एक्सेस पॉइंट की तरह काम कर सकता है। तो दो जनरली एक यू नो टोपोलॉजीज बन सकती हैं। एक तो जो अकेला आपका एक्सेस पॉइंट है वो वन बाय वन कॉन्फिगर एंड मैनेज किए जाएंगे, तो वो कहलाएंगे आपके ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, एक एक्सेस पॉइंट्स होंगे ऐसे, मान लो कि आपका बहुत बड़ा स्केल है नेटवर्क का, बहुत यू नो थाउजेंड्स ऑफ एक्सेस पॉइंट्स आपके पास, तो आप यूज कर लेते हैं एक सेंट्रल डिवाइस वहां पे, और वो क्या करेगा, अब आपका कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट का काम करेगा। तो आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देते हैं कि जो आपका एक्सेस पॉइंट था वो ही सारे काम ना करे, मतलब कि उसी को आरएफ का सिलेक्शन भी, पावर का सिलेक्शन भी, बीएसएस का भी है मैनेजमेंट, है ना, और आपको डेटा ट्रांसफर भी करना है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट वाला काम है सारा का सारा, वो आपने दे दिया किसको, एक सेंट्रल डिवाइस। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर। तो दो तरह की आपकी टोपोलॉजीज बन सकती है, एक आपकी ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट एंड एक आपकी WLC बेस्ड। ठीक है, तो ये तो एक ही है ऑटोनोमस, अगर देखेंगे आप तो इसमें कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। और स्केलेबिलिटी की जब इश्यू आता है तो एपी जो आपका ऑटोनॉमस वाला है इसको हम प्रेफर फिर नहीं करते हैं। जब आप बहुत बड़े स्केल के नेटवर्क की बात करते हो वहां पे फिर आप WLC यूज करना प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसमें भी फिर तीन चार तरह की टोपोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे कि एक क्या बोलते हैं आप सेंट्रल टोपोलॉजी, है ना, और उसके बाद एक होता है एम्बेडेड टोपोलॉजी, ठीक है, और एक होता है आपका CME, मोबिलिटी एक्सप्रेस। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका WLC है, वायरलेस लैन कंट्रोलर है, वो आपका एक फिजिकल अलग से हार्डवेयर है, ठीक है, और वो आपका मेन सर्वर रूम में रखा है, जो आपका मेन हेडक्वार्टर है वहां पे रखा है, या फिर ये जो आपका WLC है ये एक स्विच ही है जो कैपेबल है कि आप नॉर्मली स्विच के अंदर क्या है, एक IOS होता है और वो स्विचिंग का काम करवाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं WLC का भी सॉफ्टवेयर या लाइसेंस। तो ये लाइसेंस बेस्ड है, कोई अलग से आपको क्या बोलेंगे एज सच हार्डवेयर खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ना सिस्को जो अभी फिलहाल काम कर रहा है तो वो कन्वर्ज्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहा है। पहले आप वायर्ड जो नेटवर्क था उसके लिए अलग तरह के डिवाइसेस आते थे, अलग सीरीज के, वायरलेस के लिए अलग सीरीज के, आपने देखा होगा 2900, 2950, 2960 के स्विचेज अलग हैं, फिर आपके 3500 के स्विचेज अलग हैं, 6500, तो ये सब आपके हो गए वायर्ड, है ना, तो कैटलिस्ट है और आपका यू नो स्टैकेबल है और चेसी स्विचेज है, नॉर्मल आपके वर्क ग्रुप स्विचेज है ये सब। फिर अगर आप देखोगे कि आपके जो वायरलेस हैं वो अलग सीरीज थी, 2500 सीरीज का अलग से WLC है, एक्सेस पॉइंट्स अलग सीरीज के हैं, 3500 सीरीज के अलग हैं। अब लेकिन इन्होंने मिला के वायर्ड के लिए अलग से डोमेन ना रख के, वायरलेस के लिए अलग से ना रख के, इन्होंने एक सिंगल कोड बेस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन करने शुरू किए बहुत टाइम। अब तो खैर जब SDA की और SD-WAN की हम बात करते हैं ना ऑटोमेशन की, तो दे आर गोइंग फॉर कन्वर्ज्ड एक्सेस कि आप वायर्ड एंड वायरलेस एक ही तरह के हार्डवेयर हो जो यूज कर पाए। जैसे 9100 सीरीज का आप यूज कर लेते हो एक्सेस पॉइंट, 9200, 9300 जो है आप यूज कर लो एज एक्सेस स्विचेज, 9400, 9500 आप यूज कर लो एज योर कोर स्विचेज, एंड फिर आपका 9800 आई गेस होता है जो आप WLC यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 9100 है और 9800 है, तो ये हमारे वायरलेस के, ये AP और ये आप cisco.com पे भी जाओगे, वहां पे भी आप अगर वायरलेस के डिवाइसेज में जाओगे तो वहां पे आपको ये सब देखने को मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे ये स्विचेज हैं तो ये स्विचेज कैपेबल हैं इस क्या बोलते हैं उसको, एम्बेडेड जो आपकी टोपोलॉजी है उसके लिए। चलिए, और फिर CME क्या है कि जो आपका एक्सेस पॉइंट है वो खुद ही क्या कर सकता है, अपना WLC का काम कर सकता है। तो जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स मैनेज करने की है बहुत बड़े स्केल पे, तो आप सेंट्रल यूज करते हैं, क्योंकि ये एक कंट्रोलर 6000 एक्सेस पॉइंट को मैनेज कर सकता है। एम्बेडेड आई गेस ये कर सकता है आपका 200
एंड ये यहाँ पे आई गेस आपका 100। तो जब वो डिपेंड करता है, ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, आने वाली जो हमारी यू नो नोट्स होगा या जो थ्योरी होगी वहां पे आपको दिखाऊंगा ये सारी बातें। तो हमने ऑटोनोमस टोपोलॉजी की बात करनी है, स्केलेबिलिटी इशू की बात करनी है, ठीक है, लाइट वेट हो गया, फिर स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि जब आप एपी को अलग फंक्शन दे दो, वो क्या है कि डेटा ट्रांसफर एक्चुअल क्लाइंट का, और मैनेजमेंट का सारा काम किसको दे दो आप, डब्ल्यूएलसी को। इसलिए आपने मैक एड्रेस दो तरह से यूज कर लिया एक ही डिवाइस का, है ना, एपी का, एक तो अपने खुद के लिए मैक है, और एपी का मैक कौन यूज कर रहा है, डब्ल्यूएलसी, उसके सारे कंट्रोल के लिए एंड प्रोविजनिंग के लिए। उसके लिए जो एपी एंड डब्ल्यूएलसी जुड़े होते हैं वो एक टनल के थ्रू होते हैं, वो दिखाऊंगा आपको मैं पूरा विजुअली। फिर ये डब्ल्यूएलसी डिप्लॉयमेंट मॉडल जो टोपोलॉजी थी, हमने ये सारी बातें की है। तो चलिए आई गेस ये वीडियो अभी क्या रहने वाली है, इसमें देख लेते हैं जरा एक बार। अच्छा 5 मिनट हुए, ठीक है, फिर तो हम इसी में कवर अप कर लेते हैं, ज्यादा हमें अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगर आप देखोगे डब्ल्यू लैन टोपोलॉजीज, है ना, यही हमने बात की थी कि जो आप इमेज जिस तरह से इंस्टॉल करेंगे उसी के बेस पे आपका वो इंफ्रा पे काम करने लगेगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमस एपीज जो है वो स्टैंड अलोन है, ठीक है, पर जो लाइट वेट एपीज हैं वो जरूरत पड़ती है उनको डब्ल्यूएलसी वायरलेस लैन कंट्रोलर्स की, राइट। फिर अगर आप आगे बढ़े आप देखोगे कि जी ऑटोनॉमस टोपोलॉजी आप ये पढ़ लोगे तो इसमें कुछ ऐसा ज्यादा बचा नहीं है, सेल्फ कंटेन्ड है और ईच ऑफरिंग वन और मोर फुली फंक्शनल स्टैंड अलोन बेसिक सर्विस सेट। तो मान लिया कि मैंने, मेरे पास ये क्या है, एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, एक एक्सेस पॉइंट आपका डिपेंडिंग अपॉन कि ऊपर से आपके पास यू नो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, मान लो ये आपका एक्सेस स्विच है, ये जुड़ा आपके डीएस से, और ये पूरा आपका स्विच्ड नेटवर्क है लेयर 2। यहाँ पे यहाँ जितनी वीलैंस आपके पास आप ट्रांसफर करवा रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे ये अलग अलग एसएसआईडीज प्रोवाइड करवा सकता। मान लो आप वीलैन 10 ले आए तो एक SSID 1 ये प्रोवाइड करवा देगा, मतलब गेस्ट के लिए हो सकती है। फिर आप चाहते हो कि जो इंटरनल यूजर है उनके लिए अलग से आपकी SSID रहे, SSID main, ये SSID guest, तो उसके लिए आपको एक और VLAN यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। तो ये जो लिंक है, तो ऊपर के लिंक तो सारे ट्रंक होते ही थे अगर आपको ध्यान हो स्विचिंग में, AS to DS, DS to CS, पर जो AS से AP तक एक्सेस पॉइंट का जो लिंक है वो भी कैसा होना चाहिए, अब ट्रंक, ठीक है। दिक्कत क्या आएगी अगर आपके बहुत सारे ऐसे स्टैंड अलोन एपीज हैं, एक्सेस पॉइंट्स हैं, जो ऑटोनोमस आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं। मान लो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होता जा रहा है ना, तो आप एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा फ्लोर आप एपी लगाते जा रहे हैं, स्विचेस पे लगाते जा रहे हैं, यहाँ पे स्विचेस होंगे, एक्सेस स्विचेस, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका क्या होगा, मान लो बिल्डिंग्स बढ़ रही है अलग, फिर फ्लोर हो रहे, बिल्डिंग बढ़ रही है, फिर नंबर ऑफ यूजर बढ़ रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो सारा का सारा यहाँ पे गेम किसका है, लेयर 2 का, ठीक। तो आपको अपनी जो VLAN 10 है वो यहाँ पे हर जगह लेके जानी पड़ रही है ट्रंकिंग के थ्रू, उससे आपके ब्रॉडकास्ट का डोमेन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये जब मैं आपको कंपेयर कराऊंगा आपके क्या बोलते हैं लाइट वेट एक्सेस पॉइंट से, वहां पे डेटा आप स्विच नहीं करवाना फिर आपको, है ना, लेयर 2 नहीं रखना सारा, जरूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे ना कि यार मैंने इधर वाले में अलग आईपी के बेस पे अलग सबनेट रख लिया, मतलब अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन, और इधर मैंने अलग रख दिया VLAN 10 में, तो फिर इनके बीच में कम्युनिकेशन कहाँ हुआ, ठीक है। तो वही जो बेसिक आपको स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। सेंस बन रही है, अच्छी बात है, नहीं तो थियरी पढ़ेंगे हम, रिलेट करेंगे दोनों को, सो इट विल यू नो बी क्लियर। चलिए जी, तो यही मैंने अभी बताया आपको बता के कि नेचुरल एक्सटेंशन है आपके स्विच नेटवर्क का वायरलेस, जो आपके SSIDs एंड VLANs को मैचअप करवाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, APs। तो हाँ, डिपेंडिंग अपॉन साइज आपका, जैसे मैंने अभी बताया, यू मे नीड यू नो लेस और मोर नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है जी। तो हाँ, ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट की अगर कोई खासियत पूछे तो वो ये है कि यहाँ पे डेटा जो पाथ है वो बड़ा ही शॉर्ट है। आप अपने एक्सेस पॉइंट से गए और एक्सेस पॉइंट से डायरेक्ट दूसरे डिवाइस पे, फिर उसने रिप्लाई किया और आप यहाँ पे, ठीक है। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा आपकी कौन सी हमारे पास दूसरी जो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट बेस्ड है ना, डब्ल्यूएलसी बेस्ड आपकी टोपोलॉजीज है, जहाँ पे सेंटर में क्या रखा रहता है, मान लो एक डब्ल्यूएलसी है, सॉरी, और ये मान लो आपका जुड़ा है किसी कोर स्विच से, ये यहाँ पे डीएस पे आया, यहाँ से एएस पे आया होगा, यहाँ पे फिर हमारा होगा एक लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। अब यहाँ देखो, अगर ये होता ऑटोनोमस
और आपका एक डिवाइस है यहाँ, इन दोनों डिवाइस के बीच में आपको टॉक टू करना है, मतलब बात करनी है वायरलेस में। तो जी ये यहाँ एंड यहाँ बस इतना ही है, इसको इसी डोमेन तक रहना था, ठीक है। लेकिन अब अगर ये है आपका सेंट्रल या WLC बेस्ड, तो पहले देखो बात तो इसको इससे ही करनी है। अगर मैं बोलूँ ये आपका यूजर वन है, अच्छा ये एक्सेस पॉइंट है ना, इस पे ये पहला यूजर हुआ और इसी एक्सेस पॉइंट पे आपका दूसरा यूजर है, इसी एक्सेस पॉइंट पे, देखिए जरा। फिर भी आपको लेकिन कम्युनिकेशन के लिए पहले एक्सेस पॉइंट पे गए, फिर आप अपने DS डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जाओगे, फिर WLC पे ये रिप्लाई करेगा यहाँ, और फिर आप बात कर पाओगे। देख पा रहे हो ये डेटा पाथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये आपका ऑटोनोमस AP का, अगर आपकी स्केलेबिलिटी आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, देन इट्स अ गुड सोल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए जनरली बोलते हैं WLC बेस्ड तब है जब आपको मैनेजमेंट सेंट्रल चाहिए और बड़े बड़े नेटवर्क्स आपके पास, मल्टीपल ब्रांचेज आपके पास है। चलिए ये मैंने सारा बताया था आपको अभी ऑटोनॉमस के केस में कि जितनी SSIDs आपको चाहिए। SSID क्या है, अगेन आई एम सेइंग CCNA आपने देख रखी है तो इट शुड नॉट बी अ कंसर्न फॉर यू। तो जो आपको वायरलेस का नाम दिखता है जहां से आप कनेक्ट करते हो क्लिक करके पासवर्ड डाल के, ये लिंक कैसा होना चाहिए, ट्रंक, ठीक है। तो जितने आपको SSID चाहिएंगे उतने नंबर ऑफ VLAN चाहिएंगे। अच्छा ये मैनेजमेंट के लिए है एक अलग से, मैनेजमेंट मतलब कि आपको इसको कॉन्फिगर करना है, मान लो ना इसका एक्सेस लेके ब्राउजर में और GUI के बेस पे, तो आप इसके लिए एक IP एड्रेस चाहिए होगा। तो हर किसी को आपने मैनेजमेंट के नेटवर्क पे रख के अलग अलग, जैसे इस AP को 10.52 दे दी, इस AP को आपने 192.168.10.51 दे दिया, इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये एक डिवाइस है जिसको इस इंटरफेस में कोर स्विच पे इंटरफेस FA0 GIG F0x24 को, या जो भी इंटरफेस आपके लिए सुटेबल है, उस पे आपने लैपटॉप लगाया, इसको डाल दिया VLAN 30 में, जो मेरी मैनेजमेंट की VLAN है, इस पे भी मैंने 192.168.30. अच्छा 10. है ना, ये 10 है, लेट्स से 111 ये IP दे दी। तो यहाँ से बैठे बैठे आप हर एक डिवाइस को क्या कर सकते हो, रिमोटली मैनेज कर सकते हो। तो ये उसी के लिए होती है मैनेजमेंट IP। चलिए बट जो मेन SSID के लिए VLAN आपकी यहाँ पे दो, ठीक है। स्केलेबिलिटी का क्या इश्यू आता है, यहाँ पे देखो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप अगर पढ़ लेंगे तो इसमें कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये रिमोट का बताया मैंने, अच्छा यहाँ पे ये चीज देखिए, ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ईच AP मस्ट बी कन्फिगर्ड एंड मेंटेन्ड इंडिविजुअली अनलेस यू लेवरेज अ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सच एज सिस्को PI। तो ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट्स अगर आप मैनेज कर रहे हैं फिलहाल, तो आप इंडिविजुअली, अभी मैंने क्या बोला, स्टैंड अलोन इंडिविजुअल, लेकिन आगे कुछ नेटवर्क मैनेजमेंट के टूल्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है सिस्को के, जैसे एक एग्जाम्पल है, ग्रेट एग्जाम्पल, बहुत बेहतर प्रोडक्ट है जिसको बहुत टाइम से इसको मार्केट में बेच रहा है, सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके थ्रू भी आप सेंट्रली मैनेज कर सकते हो, पर अभी इसका जो कॉम्पिटिटर है तो वो है SDA, सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। तो SDA में हम क्या कर रहे हैं, फिर सारा कुछ ऑटोमेशन बेस्ड होगा, है ना। तो SDA का बहुत सारा कंटेंट मैंने CCNA में कवर किया था, और CCNP में हमने ऑटोमेशन का SD-WAN किया है। बट यस यू शुड नो, अगर आपके पास ये है तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टैंड अलोन और ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देन हम देख लेते हैं कि जी बिकॉज द डेटा एंड मैनेजमेंट VLANs में नीड टू रीच, तो ये मैंने बता दिया आपको, आई गेस इसमें दिस माइट सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ आपको लगेगा कि यार हर एक स्विच पे VLAN लेके जाना कौन सी बड़ी बात है ना, तो जब आप बाकी VLANs कर रहे हैं कन्फिगर तो ये भी कर देंगे, ट्रंक कन्फिगर करना कौन सी बड़ी बात है, तो वो तो हम नॉर्मली भी करते हैं, एक ट्रंक लिंक और ऐड कर देंगे पर स्विच, है ना। पर अगर आप देखो जो क्लाइंट रोमिंग है अक्रॉस ऑटोनॉमस APs, वो टिपिकली लिमिटेड किसके लिए है, आपका सिर्फ Layer 2 डोमेन में, मतलब सिंगल VLAN। आपकी अगर 10 बिल्डिंग्स में हजारों यूजर है तो सिंगल VLAN आप लेके जा रहे हो, अपने मान लो क्लास A का नेटवर्क ले लिया, है ना, SSID मेन है आपकी, इसके लिए VLAN 10 आप यूज कर रहे हो हर जगह, और 10.0.0 का नेटवर्क, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि जितना बड़ा आपका इंफ्रा होता जाएगा, ठीक है, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल करके ही आपको ज्यादा से समझ आती है, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे और जो लोग हैं इंडस्ट्री में तो वो तो समझ पा रहे होंगे इस बात को, पर जो अभी सिर्फ थियरी ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ना NA के बाद NP कर लेते, सोचते हैं कि यार चलो फिर एक अच्छी जॉब पाएंगे, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तभी आपको ज्यादा इनकी चीजों की समझ आएगी कि स्केलेबिलिटी
और मैनेजमेंट इतना बड़ा इश्यू क्यों होता है? अभी तो हमें सिर्फ पैकेट ट्रेसर की, GNS3 की आदत होती है ना? तो रियल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से अलग मिलेंगी आपको, है ना? एड ऑन कह लो, मॉडिफिकेशन कह लो, तो असली जो एटीट्यूड आएगा काम करने का वो तो वही आएगा। चलिए, एज द वायरलेस नेटवर्क एक्सपेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फिगर करेक्टली एंड लेस एफिशिएंट। और जब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बढ़ता है तो आपको पता है ये हमारे लिए हमेशा से एक प्रॉब्लम है। उसी के लिए तो हमने VLAN सबसेट और स्मॉलर डोमेन्स बनाए थे। पर इसके केस में फिर ये क्या है, अगर आपका नेटवर्क का स्केल बहुत बड़ा होता जाए तो अगेन सेम प्रॉब्लम विल परसिस्ट। इसी के लिए फिर हम क्या प्रेफर करते हैं, एक WLC बेस्ड स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर, जहां पे आप WLC आपके सेंटर में रहे और वही कॉन्फ़िगर एंड मैनेज करे आपके सारे एक्सेस पॉइंट्स को। और अब हम अपनी जो ब्रॉडकास्ट और लेस एफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करते हैं कि अब आप अपने सारे जो फ्रेम्स हैं वो लेयर टू पे स्विच ना हो, सेम नेटवर्क पे ना अब रखो ना रखो आपकी मर्जी है, आप अलग अलग जगह अलग अलग नेटवर्क भी रख सकते हो, ठीक है? और स्टिल वो रोम करता रहेगा एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट पे, आपके यूजर्स कनेक्टिविटी भी ब्रेक नहीं होने वाली है, तो इससे सारे के सारे काम अपने सेट हो रहे हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे अगली वीडियो में, आई गेस ये काफी लंबी वीडियो होगी होगी ऑलरेडी, है ना? अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपकी लाइट वेट एक्सेस पॉइंट वाली जो टोपोलॉजीज हैं, WLC बेस्ड और WLC के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।